एवरीवन व्हाट्स अप, दिस इज शुभम एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनेस्ट अनबायस्ड टेक। तो भाइयों, आजकल ना ट्रू वायरलेस का बहुत ही तगड़ा ज़माना चल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छी कन्वीनियंट चीज़ है कि सिर्फ कान में लगाओ और बढ़िया म्यूज़िक का आनंद लो। तो ऐसे में मैं आपके लेके आया हूँ एक बजट ओरिएंटेड pTron Tango का ट्रू वायरलेस ट्विंस करके। ठीक है, बिल्कुल भाई बजट में आने वाला आपका ये ट्रू वायरलेस है। 1500 से कम की कीमत में है, एक्जैक्टली 1399 समथिंग की कीमत है। इसका करेंगे बिल्कुल भाई बढ़िया सा रिव्यू, बताऊँगा आपको 5 पॉइंट्स पर जिसको कंपेयर करेंगे और फिर करेंगे बात इसके प्रोस एंड कॉन्स की। ठीक है, तो भाई चलते हैं वीडियो के अंदर। तो अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं रिव्यू। सबसे पहले इस डब्बे को साइड में। ठीक है भाई, सबसे पहला पॉइंट है जो कि मैं बात करूँगा डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन आप देख सकते हो कि डब्बे का ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा सा ही बताऊँ तो एवरेज लगा, और थोड़ा मतलब अप टू द मार्क नहीं लगा यार। ठीक है, यहाँ पर लेदर फिनिश है, रबड़ी फिनिश है जो भी है। ठीक है, और ये प्लास्टिक है ऊपर, जो कि बहुत ही थोड़ा चीप क्लास लगता है, थोड़ा मज़ा नहीं आता। थोड़ा डिज़ाइन के मामले यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा डब्बा। अब बात करते हैं इसके बड्स के डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन का बड्स का जो है ठीक ठाक है, प्लास्टिक क्वालिटी है और बटन भी फिजिकल है। तो थोड़ा सा मेरे को यार डिज़ाइन बहुत ही कम लगा। मैं इसको डिज़ाइन में दूंगा सिर्फ 2 नंबर 5 में से। ठीक है, तो डिज़ाइन के मामले मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, थोड़ा सा चीप क्वालिटी। तो लगता है कि हाँ भाई बजट ओरिएंटेड ही है, और ढक्कन भी इसका कोई खास नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर जो कि कन्वीनियंस या फिर फिट कैसा है। तो फिट के मामले देखो यार, थोड़ा ट्रू वायरलेस अगर आप कन्वेंशनल जो पुराने ईयरफोन्स यूज़ करते हो तो इस पर शिफ्ट करो थोड़ा दिक्कत आएगी। ठीक है, मेरे को भी स्टार्टिंग में आई थी, लेकिन अगर आप एक बार हैबिचुअल हो जाओगे, यूज टू हो जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब एक बार आप पूरा कान के अंदर जाते हैं। हाँ, फिट सही है, गिरेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा क्योंकि प्लास्टिक और पूरा कान के आपके अंदर रहेगा, क्योंकि भाई गिरना नहीं है उसको। तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाता है कई बार जो नए बंदे हैं, लेकिन एक बार धीरे धीरे आदत बन गई तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो डिज़ाइन के मामले में कहूँगा, कन्वीनियंस वगैरह मामले में ठीक है कि मतलब 5 में से 3 नंबर दिए जा सकते हैं, 3 साढ़े 3। ठीक है, थोड़ा और बेहतर करा जा सकता था क्योंकि कुछ के कानों में थोड़ा सा दिक्कत कर, जब मेरे एक फ्रेंड के कान में नहीं आ पा रहा था। ठीक है, अब बात करेंगे भाई अपने तीसरे पॉइंट की जो कि है बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ के मामले में बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया, मतलब एक ट्रू वायरलेस मैं कहूँगा बिल्कुल हेड्स ऑफ है। ठीक है, 50 mAh की इसकी खुद की कैपेसिटी है जो कि आपको 2 से ढाई घंटे का बैकअप आराम से देगी म्यूजिक सुनते समय। 3 घंटे कंपनी क्लेम करते हो, कुछ डब्बे पे लिखा होगा पक्का 3 घंटे, लेकिन 2.5 घंटे मेरे को मिल जाता है भाई बिल्कुल सही में। ठीक है, और लेकिन जो इसके अंदर इसके जो डब्बे की कैपेसिटी है जो भी है इसका बॉक्स वगैरह, इसकी 1500 mAh की कैपेसिटी है। तो इसको आराम से 10 बार चार्ज करता है भाई, और कम से कम आपको इसको मतलब 20-25 घंटे मिल जाएंगे आपको ओवरऑल मिला मिलो के। ठीक है, और बैटरी क्वालिटी ही इसका बहुत बड़ा यूएसपी है, इसी वजह से मैंने इसको लिया था। तो बैटरी लाइफ में हमको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैटरी लाइफ में इसको भाई 5 नंबर दो तो भी कम है। ठीक है, बात करते हैं म्यूजिक क्वालिटी जो कि बहुत जरूरी बात है। तो म्यूजिक क्वालिटी में कहूँगा यार मुझे बहुत ही ज़्यादा एवरेज लगी। बेस तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जो कि इंडियंस को पसंद आता है, मतलब मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया बेस में। इसको थोड़ा ही हाई वॉल्यूम में जाती है, थोड़ा सा फटने में लगते हैं। तो इसको आप मतलब एक एवरेज म्यूजिक क्वालिटी का हो यार, मैं इसको 5 में से ढाई नंबर दे पाऊँगा म्यूजिक क्वालिटी में। ठीक है, क्योंकि ये बजट ओरिएंटेड है भाई, जिस प्राइस पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, 1300-1400 के हिसाब रुपये से, लेकिन एक मज़ेदार नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जैसा भी है ठीक है, एवरेज म्यूजिक क्वालिटी मिल जाती है आपको इसमें, कि ठीक ठाक आपको बेस मिलेगा, ठीक ठाक आपको म्यूजिक क्वालिटी मिलेगी, ठीक ठाक ऑडियो वगैरह वोकल्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा बेस अच्छा होता तो मज़ा आता है, जैसे कि बाकी कंपटीटर्स में है। अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो और भी अच्छे मार्केट में इस ट्रू वायरलेस मौजूद है, जिसका आपको रिव्यू जल्दी मिल जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, अब बात करेंगे इसके थोड़े से प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला प्रोसेस का यही है कि भाई जो इसकी बैटरी लाइफ है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी है कि अगर एक बार चार्ज करो तो हफ्ते भर चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समय सही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और दूसरा इसका बड़ा ही अच्छा यूएसपी है कि आप इसको अपने फ़ोन के लिए एमरजेंसी पावर बैंक का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 1500 mAh की कैपेसिटी है, आपको फ़ोन को थोड़ा बहुत चार्ज कर देगा। मतलब अगर आपका कहीं एमरजेंसी है, 5-10% रह गई है फ़ोन की बैटरी और इसमें चार्ज है, तो आप अपने फ़ोन को बिल्कुल चार्ज कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात मेरे को इसकी ये लगती है कि जैसे ही ये इसके अंदर जाते हैं बड्स, तो ये आपको एक बढ़िया सा इंडिकेटर देता है बाहर कि हाँ भाई कितनी परसेंटेज बैटरी रह गई आपके इसके बॉक्स में। ठीक है, 77 इस समय बची है, तो ये भी एक बहुत अच्छा है, इसका मेरे को यूएसपी लगता है। और बाकी मैं कहूँगा इसका यूएसपी है एक क्रॉस में कि वैल्यू फॉर मनी है, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बैटरी लाइफ, एवरेज म्यूजिक क्वालिटी, डिज़ाइन वगैरह सब सही है। ठीक है, बात करते हैं इसके थोड़े से कॉन्स की। कॉन्स में दिक्कत है मेरे को इसको डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये प्लास्टिक का ढक्कन तो मेरे को बहुत ही गंदा लगता है। ठीक है, तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा एवरेज है, म्यूजिक क्वालिटी भी उससे ज़्यादा एवरेज है। ठीक है, तो मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी म्यूजिक क्वालिटी चाहते हो तो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एवरेज म्यूजिक क्वालिटी चाहते हो, थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहते हो तो बहुत ही सही है ईयरफोन्स है आपके लिए। ठीक है, कॉल क्वालिटी भी थोड़ी सी एवरेज से कम कहूँगा, और गेमिंग वगैरह आप भूल जाओ इसमें। ठीक है, तो यही है कि अगर आपको थोड़ा सा कम पैसे में, कम बजट में आपको चाहिए तो बहुत अच्छा है pTron का ये टैंगो का ट्रू वायरलेस ट्विंस, बिल्कुल थम्स अप इसके लिए। अगर लेकिन अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो और भी अच्छे मार्केट में आते हैं, जिसके Realme Buds Q वगैरह, Realme Buds S, तो अगर आप उसका भी रिव्यू देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी मैं आपके लिए दूसरे रिव्यूज़ लेकर आता रहूँगा। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।